हम देखेंगे केयरफुली कि कष्ट बहुत है और सुख बहुत कम है, बहुत क्षणभंगुर सुख है। हमको बुद्धिमान बनना है तो हम माया के वश, माया हमको मूर्ख बनाती रहती है, मूर्ख बनाती रहती है, और ये दुनिया में हम भोग करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे पहले जमाने में जब गधे होते हैं ना, उनको जब काम कराते थे, मालिक क्या करता था, गधे के ऊपर एक लकड़ी बांधता था सर के ऊपर, और एक कैरेट, यू नो, एक गाजर लटका के रखता था, और ये गधे को क्या लगता है, नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में मुझे गाजर मिलेगा। और वो अगला स्टेप लेता है, गाजर भी उतना ही आगे जाता है, गाजर दिख रहा है सामने पर मिलेगा नहीं। पर ये गधे को समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि गधा है। माया देवी हमको भी गधा बनाती है, ऐसा एक कैरेट गाजर टंगा के रखती है, और हम आशा के साथ चलते रहते हैं आगे। और ये जो मालिक है गधे से इतना काम कराता है, फिर भी काम करता है ये, क्योंकि आशा है। तो ये प्रॉब्लम है। शंकराचार्य बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम वृद्धो याचे गृहत्वा दंडम तदपिन मुच्यति आशा पिंडम। बोलते हैं ये दुनिया में भोग करने का आशा इतना तीव्र है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गया, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, अंग गल जाते हैं, बाल निकल जाते हैं, दांत सब टूट जाते हैं, हाथ में डंडा लेके चलता है, फिर भी भोग करने का इच्छा नहीं जाता। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे हमको विनती कर रहे हैं, बुद्धिमान बनो। हम सबको धीरे धीरे बुद्धिमान बनना है, और ये सही एजुकेशन है। नहीं तो अगर वो चीज़ जो हम हमेशा करते आए हैं वही करते रहेंगे, वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए पैराडाइम शिफ्ट कराना है।